सो हे गाइज, वेलकम बैक ऑन चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले फ़ोनपे के बारे में, यानी कि फ़ोनपे का एक नया फीचर आया था, यानी कि ऑटो पॉपअप, जो बहुत ही दिक्कतें ला रहा है ग्राहकों के लिए, यानी कि जो यूज़र हैं उनके लिए। ये ऑटोमेटिकली आपके बैंक से ऑटोमेटिकली पैसे अडेप्ट करता है, यानी कि ऐड करता है, और वो अपने आप मतलब अपने आप खाते में आ जाते हैं। उसके बाद में वापस बैंक में डायरेक्ट हम उन्हें नहीं भेज सकते। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरा सॉल्यूशन मिल सके। अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बात करें इस अकाउंट की, यानी ऑटो जो है यहाँ पर ऑटो टॉप अप जो रिचार्ज, यानी कि जो ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली आपको अपने बैंक जोड़ना है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली पेमेंट करता है और वो पेमेंट इसके अंदर रह जाता है। जैसे आप मेरे देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 रुपये ऐड किया था, उसके बाद मेरे खाते से 1000 रुपये कट गए थे ऑटोमेटिकली। तो इनको ऐसी प्रॉब्लम सभी क्रिएट होती है। बड़ी दिक्कत तब आती है जब ये हमारे खाते के अंदर वापस नहीं भेज सकते हम यहाँ से। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी फ़ोनपे वॉलेट से जो टॉपअप का है उसे हम वापस अपने बैंक में अकाउंट में कहीं भी नहीं भेज सकते। इसी के अंदर वो यानी जो रुपये वो रहते हैं और ना ही किसी यूज़ में ले पाते हैं। तो उसका भी सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। यानी कि इसके अंदर आपको सिर्फ गोल्ड खरीद कर ही आप इसके अंदर वापस अपने बैंक में पैसे भेज सकते हो। 3% आपके वहाँ पर GST लगती है और फिर आप वहाँ पर गोल्ड खरीद कर फिर बैंक में भेज सकते हो, ऐसे डायरेक्ट नहीं भेज सकते। तो बात करेंगे इसको रिमूव कैसे करते हैं। ऑटो पॉपअप अगर ये आपके एक्टिव हो चुका है, आप पैसे भी नहीं कटाए हुए और ये एक्टिव हो चुका है, ये आपके लिए बहुत ही ख़राब चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर एक रिमूव ऑटो पॉप, यानी जो फ़ोनपे है यहाँ पर देख सकते हो। इसको आपको कन्फर्म करना है, यानी कि यहाँ पर लिखा है आर यू श्योर दे वांट टू यूज, यानी कि जो आपके रिमूव है वो ऑटो पे आपको रिमूव करना चाहते हो, तो हमें यहाँ पर यस करना है, कन्फर्म करना है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमारे पेमेंट्स अटक जाता है तो हम बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ये कोई काम का नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर हमें इसको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। तो यहाँ लिखा है ऑटो पे रिमूव सक्सेसफुली, यानी कि जो हमारा है ऑटो पे वॉलेट है जो ऑटोमेटिकली हमारे खाते से पैसे कट के सीधे फ़ोनपे के वॉलेट में आ जाते थे, तो यहाँ से उसको मैंने रिमूव कर दिया है। अब वैसी कोई सिचुएशन नहीं होगी कि वापस से पैसे कटेगा हमारे बैंक से, वैसी कोई सिचुएशन नहीं होगी, हमें यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो इस प्रकार आप इसको रिमूव कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। अगर आप पैसे नहीं भेज पा रहे हो इससे कहीं भी, यानी नहीं भेज सकते, एक ही चांस है वो है जो गोल्ड खरीद कर उससे आप पैसे भेज सकते हो। तो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट। Thanks.